जी तो अस्सलाम वालेकुम जी, सब दोस्त कैसे हैं? सब खैरियत से हैं। अच्छा, तो आप ये देख रहे हैं जी, आपके सामने ये 3 मरले का घर है जो हम लोग तैयार करवा रहे हैं। अभी इसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, बस टाइल्स का काम हो रहा है और पेंट का रहता है, कुछ वुड वर्क रहता है। तो मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये था कि आपको मैं साथ साथ दिखाता जाऊँ कि हम लोग 3 मरले के सिंगल स्टोरी में A+ जो है वो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, और इसका प्लॉट का साइज़ जो है वो इसका जो फ्रंट है वो तकरीबन 20 फुट बनता है, और इसका जो बैक है वो तकरीबन निकलती है जी 34.9 फिट। तो आमतौर पर 3 मरले के प्लॉट जो होते हैं उनका फ्रंट अक्सर देखा गया कम ही होता है, 18 फुट होता है, 17 फुट होता है, लंबाई उनकी ज़्यादा होती है। लेकिन इस प्लॉट की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट, आप समझ लें कि 3 मरले की में एक छोटी फैमिली के लिए एक इसके अंदर स्पेस, आपका बेडरूम, आपका टीवी लाउंज, आपका किचन एक स्टैंडर्ड साइज़ में आ जाता है, और गैराज आपका इतना बड़ा आता है कि जी आप उसमें एक अदर छोटी गाड़ी भी खड़ी कर सकते हैं। तो अभी आपको मैं बाहर से थोड़ा सा व्यू करवा रहा हूँ, अंदर चलते हैं। अंदर चल के मैं आपको गैराज भी दिखाता हूँ, टीवी लाउंज भी दिखाता हूँ, और साथ में आपको मैं टाइल का जो काम हो रहा है वो भी दिखाता हूँ। ये है जी इसका फ्रंट व्यू है, और इस पे रॉक वॉल या टाइल जो भी लगेगी इंशाल्लाह मैं आपको वो भी साथ साथ दिखाता रहूँगा। गैराज आपको दिखाता हूँ, गैराज में इतनी अच्छी स्पेस है कि आप छोटी गाड़ी इजीली इसके अंदर पार्क भी कर सकते हैं, साथ में आप बाइक भी लगा सकते हैं। उसके फ्रंट में 5 फुट की गली भी आ जाती है, ये सीढ़ियाँ इसकी ऊपर जा रही हैं, और ये हमारा सबसे पहले आता है जी टीवी लाउंज। टीवी लाउंज में आप देखें कि दीवार के अंदर कुछ डिज़ाइनिंग की गई है निशों की, जिसमें लाइटिंग होती है, साथ में आप डेकोरेशन पीसेज भी रख सकते हैं, साथ में इसकी खूबसूरती भी बढ़ती है। और फ्लोर देखें आप, फ्लोर में जो है वो बेसिकली जिसको हम बेस कहते हैं उर्दू में बोलते हैं कच्चे का काम, वो हो चुका है, और इसके ऊपर अब जस्ट जो है ना टाइलें एडजस्ट की जा रही हैं, लगाई जा रही हैं। ये देखें जी आप, ये हमारा टीवी लाउंज आ गया, ये इसकी फ्रंट की विंडो आ गई। और अगर आप उस साइड पे देखें तो आपको वहाँ पे किचन नज़र आएगा। किचन में भी इतनी अच्छी स्पेस है कि आपको 3 मरले के अंदर 10 मरले वाला ही किचन मिल का साइज़ मिलता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जी एंगल में आ जाता है। ये आपका वॉशिंग एरिया भी इधर आ जाएगा, इस साइड पे वॉशिंग एरिया आ जाएगा, और इस साइड पे आपका जो स्टोव या चूल्हा जो भी आपने लगाना वो लग जाएगा। और ये हमने थोड़ी सी स्पेस इसलिए बनाई है कि यहाँ पे आपका फ्रिज या फ्रीज़र जो भी आप रखना चाहें वो आपके लिए ईजी हो। और ये एक जी बेडरूम है, बेडरूम में आप देख सकते हैं जी कि ये टाइल लग रही है, बेडरूम की ऑलमोस्ट टाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब ये लोग टीवी लाउंज की तरफ आ रहे हैं। टाइल की क्वालिटी की बात करें तो टाइल जो है वो A-क्लास टाइल है। आप ज़रा इसको थोड़ा सा इधर से देख लें, अभी थोड़ा सा आपको गंद नज़र आ रहा होगा, ये साथ साथ सफाई करेंगे बाद में जब पीलिंग होगी, जब इसकी फिनिशिंग होगी इंशाल्लाह आपको मैं वो भी दिखाऊंगा। ये कुछ पीस टाइल के कटे हुए पड़े हुए हैं, हम देख सकते हैं। टाइल का जो है जो एक्चुअल साइज़ है वो 2x2 है, वो भाई ले के आ रहे हैं, अभी इसको ओपन करके दिखाते हैं आपको। ये हम इसकी पैकिंग ओपन कर रहे हैं, आप ये देखें ये बी पेयर टाइल नहीं है, ये ए पेयर टाइल है, बल्कि A+ जो है ग्रेड वो टाइल है। क्वालिटी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। भाई ज़रा पीस निकाल के दिखाएं, एक रोशनी में थोड़ा सा दिखाना है। ये देखें जी, ये टाइल हमने निकाली है एक आपको दिखाने के लिए, आपको इधर से पता चल जाएगा ये क्वालिटी क्या, ये आप खुद ही देख सकते हैं। तो बताने का मकसद और दिखाने का मकसद ये कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जब कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं ख़ास तौर पे इन चीज़ों पे अपनी बचत करते हैं, हम लोगों ने ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोची। हमें जो मेन हमारा जो इरादा था वो यही था कि जो चीज़ लगाई जाए वो A-क्लास लगाई जाए, ताकि जो भी इस घर में आए, जो भी इसको परचेज करे, वो एक अपनी एक स्टैंडर्ड की लिविंग लाइफ जो है ना वो गुजार सके। अच्छा, ये आप देखें ऊपर सीलिंग करवा ली हुई है। सीलिंग की कुछ वीडियोस जो है वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी हैं। ये बेडरूम की भी सीलिंग करवा ली है।
और बेडरूम के साथ आप ये पैची भी देख सकते हैं, ये लास्ट में आपको वॉशरूम नज़र आ रहा होगा। सर मैं टाइल अभी लगाई है तो अभी मैं ऊपर जा नहीं सकता, जैसे टाइल ड्राई होती है नीट एंड क्लीन होती है तो इंशाल्लाह मैं आपको जाके वॉशरूम का भी विजिट करवाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। अब ये जी किचन की तरफ से काम शुरू करने लगे। अच्छा तो ये बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि क्या टाइल लगाई जाए या मार्बल लगाया जाए, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मार्बल जो है वो कॉस्ट वाइज और लेबर वाइज हमेशा कम ही पड़ता है, बट उसमें मेन प्रॉब्लम ये आती है कि आपने पहले मार्बल लगाना, फिर उसकी रगड़ाई करवानी है, फिर रगड़ाई के बाद वो पॉलिश होगी और इसमें काफ़ी ज़रा आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। टाइल का मेन बेनिफिट ये है कि जैसे जैसे आप साथ साथ लगाते जा रहे हैं, इसकी फिनिशिंग करते जाएंगे, तो ये साथ ही आपका जो है फ्लोर रेडी हो जाएगा। तो टाइल में प्रॉब्लम तो आपको जैसा बताया कि कॉस्ट की पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव काम बन जाता है, बट इसकी फिनिशिंग और इसकी खूबसूरती आपके सामने ही है कि अभी ये बिल्कुल सफाई नहीं हुई तो इसके बावजूद इतना खूबसूरत लग रहा है। जैसे ही इसके अंदर लाइटिंग होगी और फ्लोर जो है वो टाइल की फिलिंग हो जाएगी तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि क्या खूबसूरती है इसकी, कितनी इसकी शाइन है। तो ठीक है जी, आज की वीडियो को दिखाने का मकसद ये था कि आपको बताया जाए कि हम लोग टाइल कौन सी लगवा रहे हैं। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि किचन में हमने किस तरह से इसको तैयार करवाना है, कलर की वीडियो भी दिखाऊंगा, दीवारों का भी दिखाऊंगा, सीलिंग के ऊपर कलर है वो भी सारा दिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह साथ साथ मैं आपको दिखाता जाऊंगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा जी, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।